देखो तो आदत हो जानी चाहिए अभी। नहीं नींद आ रही है उसको, बुझा नहीं लगता है। दुकान बंद हो गई। पहले मेरी गाड़ी के लिए धक्के इतने खाए मैंने, बट ये देख ऑडी 43,000। सब्सक्राइब। Hi guys, Roonvirdhi here. Welcome to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? तो सबसे पहले I wanna say sorry to all of you कि मेरे लास्ट वाली वीडियो है वो मैंने प्राइवेट कर दी। कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जो मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी, वो मैंने गलती से दिखा दी। तो अब इसको करेक्ट करूँगा और उसको वापस से अपलोड करूँगा। अगर आपने देखी है वो शॉपिंग वाली वीडियो, तो अगर मैं वापस से री एडिट करके अपलोड करूँगा तो वापस से देखना प्लीज़ मेरी खातिर। बट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, ये आँख। एनीवेज, हाय गाइस, Roonvirdhi here. वेलकम टू माई चैनल. कैसे हैं आप लोग सब? तो कल शाम को मैं रेशमा के साथ यहाँ डाउनटाउन गया था कुछ इंस्टाग्राम के लिए रील्स शूट करने के लिए। वो रील्स मैंने शूट किए, घर पे आया, एडिट किया, अपलोड किया। आपने देखे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, नहीं देखे हैं तो इंस्टाग्राम पे जाओ चेक करो एंड शो योर लव। वहाँ से मैं वापस आया, एडिट किया। रात को जब मैं बैठ के सबके साथ बातें बातें कर रहा था तो मुझे अचानक से इचिंग आँखों में स्टार्ट हो गई और बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार आँख में कुछ हो गया है, या फिर किसी कीड़े ने घुस के काट दिया है या कुछ चला गया। बहुत खुजली सी हो रही थी, इचिंग हो रहा था और उसके बाद आँख लाल हो गई पूरी। मैंने ठंडे पानी से धोया, गर्म पानी से धोया। अभी बज रहे हैं 3:30 और पूरे दिन में आराम नहीं आया, तो मैं सोच रहा हूँ अभी मैं चला जाता हूँ दवाई लेने के लिए। कुछ आई ड्रॉप ले लेता हूँ, आई ड्रॉप यूज़ करूँगा एंड आई थिंक सो इट शुड बी ऑल राइट। तो भाई घर से निकल गए हैं अभी, CVS यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, CVS जाते हैं। मैंने ऐसा प्रिस्क्रिप्शन यार बहुत टाइम से ना ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो बोलने जाता हूँ फसाड़ा हो जाता है मेरा। तो प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास नहीं है, तो वहाँ पर जाके पूछते हैं जो भी काउंटर पे रहेंगे। वहाँ पर यूजुअली क्या लोग हेल्प कर देते हैं और बोल देते हैं, बोलूँगा ऐसा इच हो रहा है और लाल होगी आँख, तो शायद वो कुछ ऐसी आई ड्रॉप दे दे जिससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिले। वैसे इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, बट हाँ लाल ज़्यादा हो गई है तो इट कैन कॉज इश्यूज़। और यार जो मेरी वीडियो थी YouTube के बारे में, क्या मैं YouTube छोड़ रहा हूँ, एम आई लिविंग YouTube, उसमें मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाला था। जब वो क्वेश्चन मार्क आता है ना तो उसका मतलब है कि मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ नहीं रहा हूँ, क्या मैं छोड़ रहा हूँ, वो था। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि रोहन भाई मत छोड़। वैसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ यार, ये तो अपना एसेट है यार, ऐसा कैसे छोड़ दें, अपना पैशन है यार। It's a redness relief. There are tears extra. Oh, here, artificial tears. Artificial tears. Yeah. If it doesn't resolve it, then definitely have a doctor take a eye look. Eye drop. Yeah, an ophthalmologist, okay. Someone take a look at it. Thank you. Because if the last thing you know, if it's infected, you want to get it treated. Okay. All right. Thank you so much. You have a good one. Bye bye. Eye drop ले लिया। इसको तभी डालूँगा जब मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँगा। बट उससे पहले अभी मुझे जाना है AT&T और वहाँ पर जाके पता लगाना है कि जो मेरा नंबर है वो चेंज हो सकता है। मतलब नंबर चेंज नहीं करना है, सर्विस चेंज करनी है, नंबर सेम रखना है, क्योंकि अभी अभी तो मैंने अपना नंबर चेंज किया है। नंबर चेंज से याद आया, अगर कोई भी किसी के पास भी मेरा मोबाइल नंबर है और अगर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मेरा जो पुराना वाला नंबर है वो चेंज हो चुका है, मेरा नया नंबर है वो मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगा। तो इफ़ कुछ अर्जेंट है तो इंस्टाग्राम पर प्लीज़ मैसेज कर देना। देखो भाई, यहाँ पर अभी सेफोरा में रेशमा जी को काम है और मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि भाई आप जो आई ड्रॉप है मेरी आँख में डाल दो और फिर आप जाओ सेफोरा, तब तक मेरी आँख साफ हो जाएगी, पानी निकल जाएगा और रेडनेस शायद कम हो जाएगी। कितना ड्रॉप डालने बोला? अभी पता नहीं। टू ड्रॉप्स। आई ड्रॉप तो अच्छा है, रेडनेस कम हुई है। तो अभी क्या है कि रेशमा को जो गाड़ी चाहिए प्रियस, वो मिल ही नहीं रही है कहीं पर भी। तो फिर मैंने उसको बोला है कि होंडा की 4 सिलेंडर सिविक ले ले, एवरेज प्रियस जैसी हाइब्रिड वाली गाड़ी की तो नहीं देगी, वैसे भी 4-3 महीना वेट करेगी। और क्यों
वो भी तो महंगी पड़ेगी, वो ऐसे सस्ती तो नहीं तेको मिलेगी गाड़ी। बट अभी हम लोग वापस से होंडा में आए और वहाँ पर देखते हैं कि कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी डील मिल जाए, और या होंडा सिविक या होंडा एकॉर्ड, तो फिर हम लोग एक डील कर लें। हम लोग पहुँच गए होंडा और यहाँ पर देखते हैं कि कोई गाड़ी मिल जाए। ये गाड़ी वाला सिलसिला ख़त्म हो रहा ही नहीं है। ये अच्छी है कोरोला, 18,899, लुक्स क्लीन। टोयोटा कोरोला LE, कंडीशन भी अच्छी है गाड़ी की। पर रेशमा को ये चाहिए सिविक, ये कितने की है? 26,000। कौन सा मॉडल है? 2019। एज है 35। इट्स नॉट बैड। इनके पास एक प्रियस है जो रेशमा को चाहिए, 2022 हाइब्रिड, ये वाली। और वो क्यों लड़ रही है? This one is $43,000. It's brand new, it has 400 miles. लेने का? Are you making a film? ये देख ऑडी, 43,000, 44 actually. पहले मेरी गाड़ी के लिए धक्के इतने खाए मैंने, बट मिल गई है। रेशमा के लिए एक अच्छी गाड़ी चाहिए। गाड़ियाँ बहुत है लेकिन वो प्रियस जो है ना वहाँ पर खड़ी है वही अच्छी है, और होंडा सिविक। तो कल मैं इसी मॉरिस टाउन टोयोटा में गया था जहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं रेशमा जी की तसल्ली के लिए, क्योंकि रेशमा बोल रही है मुझे वापस से जाना है और चेक करना है और उससे बात करनी है कि गाड़ी अवेलेबल क्यों नहीं है। अगर मैं ऑनलाइन बुक करती हूँ तो मुझे गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेसिकली आज पूरे डाउट्स क्लियर करने जा रहे हैं कि अगर बुक करते हैं गाड़ी तो कितने महीने में गाड़ी घर पर आ जाएगी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, भाई एक आंसर दे दो और पूरी आज डिटेल्स निकाल के देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है, प्रियस लेनी है या होंडा लेनी है। तो भाई प्रियस प्राइम गाड़ी है ही नहीं, दूसरी गाड़ियां भी है नहीं, तो गाड़ी मिल ही नहीं रही है। अभी मुझे लगता है कार गुरुज में जाके चेक करना पड़ेगा या फेसबुक मार्केट पे चेक करना पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर भी जो कंडीशन में गाड़ी रेशमा को चाहिए वो मिलने वाली है, बट वी विल सी। तो भाई बहुत सारे लोगों को सवाल रहता है कि फ़ोन सर्विसेज यहाँ पर कौन कौन सी रहती हैं। AT&T है, वराइजन है और टी मोबाइल है। जो मैंने अभी लिया है टी मोबाइल है, जो मैं पिछले 10 साल से यूज़ करता हूँ वो है AT&T, बट थोड़ी जल्दी जल्दी में मैंने टी मोबाइल ले लिया है। नो रिग्रेट्स, ठीक ठाक चलता है, बट AT&T से मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, बट अभी मैंने ले लिया है टी मोबाइल घाई में आकर, तो ठीक है। पैकेजेस भी अच्छे हैं, मतलब प्रीपेड में जो पैकेज मैंने यूज़ कर रहा हूँ वो $50 का अनलिमिटेड है, AT&T में $65 का अनलिमिटेड आता है, तो डेफिनेटली मुझे तो अनलिमिटेड का ही पैकेज चाहिए रहता है। कोई है नहीं लगता है दुकान बंद हो गई। देखो भाई ये काम तो करना ज़रूरी है ना, यहाँ पर YouTube डालो, YouTube खोलो, रोहन वृद्धि डालो, और उसकी जो लास्ट वीडियो है उसको देखो और सब्सक्राइब करना सब लोग। प्लान चेंज करा लिया मैंने, अपना अनलिमिटेड प्लान ले लिया है, और टी मोबाइल का उसने क्या बोला, नेटवर्क का बोला 2 डंडी बहुत अच्छा है। 2 डंडी मतलब 2 बार आते हैं, तो रेशमा को कन्फ्यूजन था कि यार हमेशा फ़ोन में 2 बार ही क्यों दिखाते हैं, लाइक यूजली 5 बार होते हैं, 6 बार होते हैं, बट तो भाई साहब बोलते हैं कि 2 बार है मतलब अच्छा है, 3 बार है मतलब आप बहुत अच्छी एरिया में हो जहाँ पर बहुत अच्छा नेटवर्क मिलेगा। तो ऐसा है टी मोबाइल का नेटवर्क, अभी थोड़ा टाइम तक यूज़ करूँगा, अगर मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैं वापस AT&T में स्विच कर लूँगा। वराइजन तो मैंने कभी ट्राई करने की सोची नहीं है। अगर आप कोई भी सर्विस यूज़ करते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं अभी टी मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन स्विच माई सर्विस फ्रॉम टी मोबाइल टू AT&T, बट कुछ एक पिन देना पड़ता है उनको, वो आप अपने फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर को फ़ोन करके ले सकते हो आसानी से। तो अभी कैसा, जैसा मेरा पैशन है फोटोग्राफी का, वीडियोग्राफी का, व्लॉग्स का, फिल्म मेकिंग का, वैसे एक यूट्यूबर है
जो न्यूयॉर्क में रहते हैं वो, और वो इंडियन यूट्यूबर नहीं है, वो चाइनीज़ यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं। आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखे रहेंगे जब यहाँ पर कैंपस के बाहर या स्ट्रीट्स पे लोग जाके इंटरव्यू लेते हैं और पूछते हैं कि अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि कल जो मैं शूट करने वाला हूँ इन भाई साहब के साथ वो कौन सी वीडियो है, कैसी वीडियो है, बट इतना पता है कि मान लो लोगों को इंटरव्यू करते हैं और पूछते हैं चीज़ों के बारे में। वैसा कुछ ब्लॉग यूट्यूब वीडियो एक शूट करने वाला हूँ मैं कल एक अमेरिकन यूट्यूबर के साथ। आप ईशा को तो जानते होंगे, मेरे साथ बहुत सारे उसने इंस्टाग्राम के रील्स बनाए और उसके कॉलेज का भी एक वीडियो बनाया था मैंने न्यूयॉर्क सिटी का। उनका मुझे कॉल आया था कि ऐसा ऐसा है, ये यूट्यूबर भाई साहब है, उनको एक वीडियोग्राफर की ज़रूरत है, अगर आप करना चाहो तो। मैंने बोला यार ज़रूर, अगर न्यू जर्सी न्यूयॉर्क में किसी को भी एक फिल्म मेकर एक वीडियोग्राफर की ज़रूरत रहेगी प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना, ज़रूर आऊँगा, शूट करूँगा आप लोगों के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने एक हाउस वार्मिंग वीडियो की शूट की थी और What's it? How are you guys? What are your names? Greta. I'm Chloe. Greta. I'm Max. I'm Amelia. So, what kind of videos do you guys watch? Like vlogs. Yeah. Like vlog, daily vlogs? Yeah. Who's your favorite YouTuber? Sadie Crowell. Sadie Crowell. What kind of vlogs this YouTuber makes? Pranks. Yes, no, but you know what? I vlog in my language. So that's the first one. Yep. Is me. So you have to tell everybody to subscribe. Okay, subscribe. Thank you. Bye bye guys. Take care. तो यहाँ मैं vlog कर रहा था और वो जो लड़का बोला कि are you vlogging? मैंने बोला अरे यार, उसको लगा कि बेचारा offend हो गया है यार। वो बोला no problem. तो मैंने उसको बुलाया, सबको बुलाया और बात की, अच्छे बच्चे थे, बात करके चले गए। मैंने उनको बोला भी देखो भाई मैं हिंदी में ब्लॉग करता हूँ अपनी लैंग्वेज में, आप लोग को समझ में नहीं आएगा बट फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करो और समझने की कोशिश करो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। देखो भाई सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ कुकू मैंगो को हेलो भी बोल के जाना, और वीडियो को मैं इधर तक ही रखता हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाली है एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू शेयर इट विथ यू। थोड़ा थोड़ा कभी कभी लेट हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। एंड वीडियो को इधर तक ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। एक्चुअली वी लव यू ऑल। है मैंगो इतना गौर से देख रहा है, व्लॉग कर रहा हूँ तो पता नहीं इसको लग रहा है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। देखो तो आदत हो जानी चाहिए अभी, नहीं नींद आ रही है उसको। मैंगो यू स्लीपी? ओ रे मैं बच्चा, सो जा। वाह शी।